नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आपके मनपसंद शो अब हर कोई शेफ में, मैं शेफ जॉली आपका स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश का शहर मुजफ्फरनगर प्रसिद्ध है अपने बेहतरीन गुड़ के लिए। वैसे ही गुड़ की मिठास अपने डिश और बातों में लेकर आ रही है इसी शहर में पली बड़ी हेमा गुप्ता। मुंबई की हेमा गुप्ता है एक इंटरनेशनल फूडी। अक्सर हेमा जी नई रेसिपीज बनाती रहती हैं और इन नए क्विजींस का लुत्फ उठाते हैं उनके पति और दो बेटे। हेमा जी एक एडवेंचरस कुक हैं, साथ साथ काफी हेल्थ कॉन्शियस भी हैं। हेमा जी का जन्म हुआ है थाना भुवन, जो कि मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। शादी के बाद वो मुंबई में सेटल्ड है। आज हेमा जी हमारे साथ शेयर करेंगी उनकी मन पसंद डिशेज। तो आज कौन सी इंटरनेशनल रेसिपी बनेगी, अब हर कोई शेफ के किचन में, आइए देखते हैं। नमस्ते नमस्ते हेमा जी, आइए अब हर कोई शेफ में आपका दिल भरा स्वागत। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा भाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा शेफ। क्या बात है, तो आज आप क्या बनाने वाली हैं? मैं आज बनाऊंगी ब्लूबेरी ब्लश। ब्लूबेरी ब्लश जी, यानी के एक शर्माहट, एक स्माइल हा? जी, क्या बात, दिखाई देगी उसमें। वेरी नाइस, तो चलिए बनाते हैं हेमा जी के साथ ब्लूबेरी ब्लश। शुरू करें? जी जरूर। तो आप सबसे पहले बताइए कि आपकी इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है? ये है चॉकलेट बिस्किट पाउडर। चॉकलेट बिस्किट पाउडर जी। ये शुगर पाउडर और ये दही लटकाया हुआ 3-4 घंटे तक हुआ, जी। फिर ये ब्लूबेरी सॉस है। हाँ जी। ये ब्लूबेरीज हैं। ठीक है। ये बटर है, जेलेटिन क्रिस्टल्स एंड वेनिला एसेंस, और वो ये हाँ ये क्रीम है, क्रीम, फ्रेश क्रीम। तो इंग्रेडिएंट्स बड़े इंटरेस्टिंग है, तो बढ़िया शुरू करते हैं फिर। जी जरूर। सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगी? ये मैं बिस्किट और बटर उनको मिला करके उसका बेस बना लूंगी। ठीक है। ये करीबन 10 से 15 बिस्किट हैं, उसको बारीक पीस लिया है। तो आपने ये डिश क्यों चूज की आज शेमा जी? ये डिश मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हाँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि मम्मी आप ये बनाइएगा। तो बच्चे भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होते हैं पेरेंट्स का। जी, पति तो कुछ करते हैं नहीं, तो बच्चे ही करते हैं। हाँ? नहीं, पति इंस्पायर करते हैं, बस वही इंस्पायर, नेम टैग अच्छा इंस्पायर करते हैं। नहीं, तो आ जाते होंगे खाने के लिए, हाँ भी क्या बनाया आज? नहीं, कभी मुझे बड़ी भूख लगी है, कभी कुछ तबीयत खराब होती है तो वो हेल्प भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। गरम पानी पिला देते होंगे अदरक की साथ में? नहीं नहीं, खाना भी बना देते हैं। क्या बात कर रहे हो? जी, इसमें करीबन 2 टेबल स्पून के। तो इसमें वैसे आप क्यों मिला रही हैं? इसका काम ये है कि उसमें टिन में बेस इसका तैयार हो जाएगा और जो हमारा ब्लूबेरी ब्लश है उसको थोड़ी सपोर्ट मिल जाएगी। अच्छा। और ये बच्चों को खाने में बहुत अच्छा लगता है, चॉकलेट है इसलिए। किसी फॉर्म में चॉकलेट खिला दो। जी जरूर। और ये थोड़ा क्रंची हो जाता है तो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो आप मुजफ्फरनगर से? मुजफ्फरनगर के पास एक थाना भवन करके छोटा सा टाउन है। थाना भवन? थाना भवन, मैं वहाँ से हूँ। तो मैंने सुना कि मुजफ्फरनगर में बड़ी मिठास होती है। जी, वहाँ पर शुगर मिल्स हैं। शुगर मिल्स? जी, वहाँ की बहुत फेमस है, वहाँ का गुड़ का काफी फेमस है काम। हाँ। तो अभी ये इस तरह से तैयार हो गया, इसमें बटर मिलाने के बाद अब इसको हम केक टिन में स्प्रेड कर लेंगे। तो केक टिन लीजिए। जी, केक टिन। वाह, इसमें जो आवाज आ रही है टिन पे, हाँ, एक मतलब म्यूजिकल सा डिश हो गया ये। तो अगर आपको ये ब्लूबेरी नहीं मिलती तो मतलब कि क्या करती हैं आप? तो मैं स्ट्रॉबेरी या मैंगो, जो भी मेरे पास जैम है, मैं पहले उसके ऊपर लेयर लगा देती हूँ और फिर उसके ऊपर फ्रेश फ्रूट्स लगा देती हूँ। आम डालें आम के सीजन में? जी। अमरूद डालें अमरूद के सीजन में? इसके लिए थोड़ा सा हाथ यूज करना पड़ेगा मुझे, हाथ के बिना तो मजा आता ही नहीं है। जी, तो ये बेस में आपने फैला दिया? जी, उसके बाद इसके ऊपर टॉपिंग बनेगी। जी, अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए, 15-20 मिनट के लिए ये सेट हो जाएगा। लाइए। थैंक यू। बहुत बढ़िया एक क्रस्ट सा बन गया है नीचे। जी। और ये जब सेट हो जाएगा क्रंची हो जाएगा। क्रंची हो जाएगा। क्योंकि बटर जम जाएगा। जम जाएगा। और बिस्किट का अपना क्रंच है। जी जरूर। चलो इसको मैं रख के आता हूँ। जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा? अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम ये फ्रेश क्रीम और शुगर को मिक्स करेंगे। जी। मिक्सिंग स्पून, करीबन 1 कप के। तो अब इसमें पड़ गया अभी क्रीम। क्रीम मिला दीजिए। ये मैं मिलाता हूँ। जी जरूर। मिठास आप बांटिए। जी जरूर। फ्रूट की भी मिठास रहती है इसमें। हाँ जी।
तो इसलिए चीनी आप थोड़ा कम डालें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके ऊपर फिर जैम की भी मिठास होगी। हाँ जी, हाँ जी। इसको हमें बहुत ज्यादा थिक नहीं करना है, बट थोड़ा सा थिकनेस आ जानी चाहिए। इसका क्या कंसिस्टेंसी होगी अभी? अभी स्लाइट थिक हो गया है, ये थोड़ा और थिक हो जाना चाहिए। ठीक है। अब इसमें हम ये दही लटकी हुई डाल देंगे। अब इसको हम अच्छे से ये मिक्स कर देंगे दही मिला करके। बिल्कुल स्मूथ बन जाए। जी, एकदम स्मूथ, इसमें जरा भी लंप नहीं रहने चाहिए। वो जेलेटिन किसके लिए, कब डालेंगे आप? जेलेटिन अब बस अभी डालेंगे, इसके बाद ये स्मूथ हो जाएगा, तो इतनी देर हम उसको जेलेटिन को तैयार करने के लिए रख सकते हैं। तो पानी गुनगुना करूं? पानी गुनगुना कर दीजिए। ये अभी पानी हो गया है गरम। तो ये पानी हो गया है गुनगुना? जी सर। तो बंद कर देते हैं। अभी हम ये जेलेटिन ले लेते हैं। ठीक है, बोल निकाल लेता हूं। जी लीजिए। इसमें हम करीबन 2 टीस्पून डालेंगे जेलेटिन। और ये जेलेटिन जो होती है, हाँ जी, ये सेट कर देती है, ये इसको सेट कर देती है। और ये वेजिटेरियन जेलेटिन भी होती है। ओके। और एक नॉन वेजिटेरियन भी होती है। जी डाले? जी, इसको थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। तो इसको गुनगुने पानी में डाला जाता है ताकि ये मेल्ट हो जाए, पिघल जाए। जी। और ये इसका इम्पैक्ट अच्छा होता है जब ये पूरा पिघल जाता है, राइट? जी जी। तो इसको गुनगुना और करना है आपको, थोड़ा सा इसको मेल्ट होना है। तो एक काम करते हैं, इसको डबल बॉल में डाल देते हैं, जब तक इसको थोड़ा विस्क कर लेते हैं। आप विस्क करिए और आपकी मसालेदार कहानियां सुनाइए। जी। बचपन आपका कैसा होता था जब आप छोटी थी, तो मतलब कैसा वक्त गुजरता था? मेरे 2 भाई हैं, हम लोग बचपन में बहुत लड़ते थे, और ज्यादा करके क्या होता था, लड़ते थे, भैया से लड़ाई होती थी, फिर बाद में मैं रोती ज्यादा थी, पापा से भैया को डांट पड़ जाती थी। अच्छा, मतलब ड्रामा करती थी? जी, मुझे ड्रामा क्वीन ही बोलते थे। ड्रामा क्वीन, बेचारे भैया माफी चाहते हैं हम कि दीदी ने फंसा दिया। और डांट पड़ती थी, मतलब थप्पड़ थप्पड़ पड़ते? हाँ, डांट भी पड़ती थी, मार भी पड़ती थी। अभी भैया मुझे अभी भी बोलते रहते, तेरी वजह से बहुत मार खाई है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा वेनिला एसेंस डाल देंगे, एक लाइट सा बैकग्राउंड में स्वाद आएगा इसका, वेनिला इसका फ्लेवर आएगा। यहाँ ये भी अच्छा पिघल रहा है, देखिए इसका जेली फॉर्मेशन। इधर ये मिक्सचर भी अच्छा तैयार हो गया, स्मूथ हो गया। हाँ। ये जेलेटिन मिक्स कर देंगे। तो ये ठंडा होने से थोड़ा पहले मिलाना पड़ेगा आपको? जी जी, वरना वो सेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आपके हिसाब से कि थोड़ा और पिघलने दें? नहीं, हो गया है। फिर हम इसको मिक्सचर को छानेंगे, जो थोड़ा बहुत इसमें क्रिस्टल बच गया है वो उसमें छन जाएगा। ओके, तो ये हो गया है, ये तैयार हो गया है। अभी मैं इसको इसमें मिक्स करूंगी। ठीक है, तो ये रख लेते हैं। जी, सेट होने से पहले, क्योंकि ये सेट फटाफट हो जाता है। हाँ, और वो जो केक टिन रखा है फ्रिज में, जी वो ले आइए। आते हैं अभी। वाह, ये सेट हो गया, बढ़िया सेट। हाँ, हो गया, देखिए। जी, सही हो गया। नाइस एंड क्रंची। जी, नाइस एंड क्रंची। बच्चे खुश होंगे आपको देख करके। अच्छा, मम्मी खाली हम ही ऐसे ही नहीं करते, शेफ भी ऐसे ही। अरे, हम तो बस उंगलियां डाल डाल के बस खाते रहते हैं, और जब आखिरी डिश बच जाती है, इतनी से बच जाती है। अच्छा। तो ये अभी ठंडा हो गया। ठीक है जी, अब इसको इसको मिक्स कर देते हैं। अच्छा, स्मूथ बैटर की तरह टेक्सचर बन गया इसका। जी, अब इसको अच्छे से मिक्स किया। और छलनी से इसको डायरेक्ट इसमें हम छान देंगे। मतलब इतना स्मूथ, मतलब बिल्कुल महीन। जी, इसमें बाय चांस कुछ अगर रह गया है दाना, तो वो सब इसका छलनी के थ्रू निकल जाएगा। अब इसको हम 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे ये थोड़ा सा सेट होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। इतनी देर में हम, ये हमारा ब्लूबेरी सॉस है, ये हमने ब्लूबेरी जैम में थोड़ा सा गर्म पानी मिला करके इसको फ्लोइंग कंसिस्टेंसी बना लिया है। ठीक है, इसको ऐसे इवनली फैला देंगे इसके ऊपर। ठीक है, काफी मतलब अच्छा स्मूथ एक लेयर बन गया है। जी, पूरा लेयर बन गया इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा, और अदरवाइज आप जो भी सीजनल फ्रूट हो वो इसके ऊपर लगा सकते हैं। है। अभी हमारे पास ब्लूबेरी है, हम तो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ब्लूबेरी। ये कैंड ब्लूबेरी है। अब हम इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख देंगे करीबन 2 घंटे के लिए।
हेमा जी, एक घंटा 55 मिनट हो गए, इंतजार नहीं हो रहा, निकाल लें। निकाल लीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू। तो ये बन गया आपका ब्लूबेरी ब्लश। ब्लूबेरी ब्लश बनाने के लिए हमें चाहिए सामग्री: बिस्किट पाउडर 10 से 15 बिस्किट्स का बनाया हुआ, पाउडर्ड शुगर आधा कप, टंगा हुआ दही 1 कप, ब्लूबेरी सॉस 1 कप, ब्लूबेरीज आधा कप, बटर 2 बड़े चम्मच, जेलेटिन क्रिस्टल्स 2 छोटे चम्मच, वनीला एसेंस 1 छोटा चम्मच, ताज़ा क्रीम 250 मिलीलीटर। ब्लूबेरी ब्लश बनाने की विधि: एक बोल के अंदर बिस्किट पाउडर में बटर डालकर मिक्स करें। एक केक टिन लेकर उसमें इस मिश्रण को इस तरह फैलाएं कि वो पूरी तरह केक टिन के नीचे वाले हिस्से को कवर करें। अब इसे 15 से 20 मिनट फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें। एक दूसरे बोल में फ्रेश क्रीम, पाउडर्ड शुगर और टंगे हुए दही को मिलाकर एक स्मूथ क्रीमी मिक्सचर बनाएं जिसमें गुठलियां ना हो। एक बोल में कुछ जेलेटिन क्रिस्टल्स लें और उसमें गुनगुना पानी मिला लें। क्रीम के मिक्सचर में वनीला एसेंस डालकर मिला लें। इस मिश्रण में अब जेलेटिन का घोल डाल दें। मिश्रण को छानकर बिस्किट वाले मिश्रण के ऊपर फैला दें ताकि कोई गुठलियां ना रहें। इस मिश्रण को 2 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख दें। फिर ब्लूबेरी सॉस लेकर मिश्रण के ऊपर एक लेयर बना लें। ऊपर से कुछ कैंड या फ्रेश ब्लूबेरीज को डाल दें। केक टिन को फ्रिज में 2 घंटों तक सेट करने के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद केक को डीमोल्ड करें, कुछ और ब्लूबेरी से गार्निश करके ठंडा परोसें। आपका ब्लूबेरी ब्लश तैयार है। इस रेसिपी को पढ़ने के लिए अपने स्मार्टफोन से इस QR कोड को स्कैन करें। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए इस नंबर पर 02-66-535-790। अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं तो लिखिए iChef और भेज दीजिए 57575 पर। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं इस ID पर iChef@znetwork.com। और अगर आपको हमारी रेसिपीज दोबारा से देखनी है तो लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट पर www.zkhanakhazana.com। हमें फेसबुक पर भी लाइक कीजिए facebook.com/zkhanakhazana। आप हमें लिख भी सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। अब हर कोई शेफ, जी खाना खजाना, 135 कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग, डॉक्टर एनी बेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई 40018। तो हेमा जी, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ ये ब्लूबेरी ब्लश बनाते वक्त। जी हमें भी बहुत मजा आया आपके साथ बनाते वक्त। आपके लिए एक सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन। थैंक यू सो मच। और एक गिफ्ट भी है। ओह थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू।